अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एजी डिज़ाइनर। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी इंशाल्लाह, आज मैं फ़ोटोशॉप पे आपको डॉटेड लाइन बना के दिखाने वाला हूँ कि डॉटेड लाइन हम कहाँ यूज़ करते हैं, डॉटेड लाइन से क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुका हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ बैनर दिखाया था जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें पता क्या है कि मैं आपको समझा सकूँगा डॉटेड लाइन हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर अच्छी लगती है। अब देखें, यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइन्स बनाई है ना मैंने, ये क्या है बेसिकली कि पूरे स्ट्रोक की लाइन है। ठीक है ना, ये स्ट्रोक की लाइन है। तो जैसे हम स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वैसे हम जैसे जैसे हम स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं तो हम वहाँ पर जब उसे डॉटेड लाइन कर देते हैं ना, तो इस तरह से कोई रिजल्ट आ जाता है। और अगर देखें खाली डॉट से आते हैं तो इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप देखें, अगर मिसाल ले लें कि अगर मैं ये लाइन्स यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पर टेक के टेक जो मैंने टेक लगाया हुआ है डिस्काउंट का, जो मैंने राउंड बनाया हुआ है, इस राउंड के जो ग्रिड पूरे डॉट्स हैं, डॉट्स नहीं होते, सिंपल सा अगर सर्कल होता तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये अट्रैक्टिव है, ज़ाहिर है आप सबका आंसर यही होगा कि यही अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी हम डॉटेड लाइन यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम डॉट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव होता है। ये आप देख सकते हैं। अब देखें, यहाँ भी आप देख लें, अगर मैंने ये जो मॉडर्न फर्नीचर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने डॉट्स का यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ आप देख लें कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शूज़ का जो मैंने पैनल डिज़ाइन किया हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की हुई, इसमें आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं डॉटेड लाइन यहाँ भी आएगी। अगर ये नहीं होती, हटा देते हैं इसमें से, तो पूरा फोकस इस पर हट ही जाता, हमारा फोकस पे जाता ही नहीं, वो रिजल्ट नहीं आता जो हम चाह रहे थे। इस तरह इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्काउंट का टेक है वो भी सेम इसी मेथड से बनाया गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये बनाते कैसे हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं आता हूँ एक पेज के ऊपर। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी सा, ठीक है। अब देखिए, सर्कल जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने अल्टर शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है ताकि ये बिल्कुल ही ठीक से बने, बिल्कुल सेंटर से जो है वो इंक्रीज हो साइज का, इस वजह से। अब देखिए मैं यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा देखिए, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज खुल गई हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर जो है, हमें इसका फिल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक से काम लेना है, ठीक है। फिल ऑफ कर दिया, स्ट्रोक पे आ गया, जो कलर हमें लेना है हमने कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम जो है इसकी साइज इंक्रीज करेंगे। अब देखिए, साइज इंक्रीज कर दी और यहाँ पर मैंने इसको डॉटेड लाइन कर दिया। देख ले कितनी इजीली बन चुका है, जैसे मैंने आपको वहाँ पर दिखाया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने बिल्कुल इजीली हमने यहाँ पर बस टाइप ही कर देना है। लिखते हैं यहाँ पर 40%, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 40% लिखा और यहाँ पर मैंने इसको ऑफ लिख दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो कितना इजीली जो है हमने इसका टेक क्रिएट कर लिया। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। अब देख सकते हैं कितनी इजीली हमने जो है वो डिस्काउंट के इसमें टेक क्रिएट कर लिया और ये कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर ये मिसाल ले लें कि मैं एक और आपको यहाँ पर दिखाया था बनाकर, ये मैंने यहाँ पर देखें एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर मैं इसको सेम यही सेटिंग कर रहा हूँ, ब्लैक कर देते हैं इसको, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बहुत ध्यान इंक्रीज कर दिया है, थोड़ा कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल लाइन रखता हूँ, ठीक है। मैंने देखिए नॉर्मल लाइन रखा हुआ है और एक तरफ ये है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कहाँ रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इन दोनों में से अट्रैक्टिव कौन है ये ज़्यादा आप बता सकते हैं, कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑफकोर्स कि जो है हमने डॉटेड लाइन किया हुआ है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जहाँ भी अगर हम किसी सोशल मीडिया पोस्ट में अगर हम डॉटेड लाइन यूज़ कर लेते हैं, डॉट डाल देते हैं वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अट्रैक्शन पैदा होता है और बंदे का ध्यान वहीं जाता है। तो इसलिए अगर हम कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और मुमकिन हो सके तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की जो है कोई ट्रिक्स यूज़ कर लें ताकि हमारा जो बैनर हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, फ्लायर हो, कुछ भी हो, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इस वजह से। अब इस तरह क्या है कि अगर हम यहाँ पर अगर एक और है, मैं सेम यही देखिए, मैंने यहाँ पर सेम सर्कल बना लिया है, प्रॉपर्टीज़ की चेंज कर रहे हैं पूरी तरह, वही कर रहे हैं जो हमने वहाँ की हुई थी। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये क्या कर रहा है कि ये डॉट्स दे रहा है। अब देखें यहाँ पर ये हो रहा है कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और देन मैंने यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि सिर्फ डॉट कर रहा है, डॉटेड सिर्फ डॉट्स हैं यहाँ पर। अब इनमें क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डॉट्स आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी डॉटेड लाइन्स हैं, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस है, इसकी हम सेटिंग थोड़ी मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें, मैं एक और यहाँ पर लेफ्ट टूल से जरिए एक और मैं आपको सर्कल बना के दिखा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर अगर हम गौर करें ना,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिया 5 5 5 दे दिया, कुछ भी दे दिया मल्टीपल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट कुछ और था, इसका रिजल्ट कुछ और है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है हमारी मर्जी सेटिंग की हुई है और वहाँ पर जो था वो ऑटो सेलेक्ट था। अब देखें यहाँ भी सेम यही मेथड है, यहाँ भी हमने चेंज किया उसमें सब 5 5 5 अगर कर दूँ मिसाल, तो देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, चेंज हो चुकी है सेटिंग। इसे हम अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं। अगर आप देखें एक मिनट इसी को देख लें, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा देख कर्व हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैंने ज़ाहिर है जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था, इस बॉक्स को जब मैंने बनाया था, और मैंने इस बॉक्स के अंदर क्या किया होगा कि मैंने इसके अंदर इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज की होगी। इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं हम, इसकी जैसे अगर हम सेटिंग चेंज करेंगे तो इसमें हमारे सामने इसका रिजल्ट डिफरेंट आता रहेगा। अब देखें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक और बार इसको बनाते हैं। अच्छा देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये नॉर्मल सा हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर देखें हम जैसे इसको क्लिक कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। ये स्ट्रोक इसका बाहर की तरफ आ रहा है, ये स्ट्रोक अंदर की तरफ जा रहा है, इसके कैप्स जो है वो बिल्कुल राउंडेड हो रहे हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं। अब इस पर हम पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा बेहतर लग रही है, हमें चेक करना पड़ेगा। जो हमें अच्छा लग रहा हो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हर डिज़ाइन अपने हिसाब से करता है। अब देख सकते हैं इसके ये सॉरी इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो हमने यहाँ बनाया और ये, इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि क्या है कि हमने इसमें इसकी सेटिंग चेंज की भी है, आपने देखा कि मैंने वहाँ पर मैन्युअली सब कुछ मेंशन किया था, तो वहाँ मैन्युअली आप जो चाहें अपनी मर्जी सेटिंग देख लें, जो भी आपको अच्छी लगे आप मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें। आप कहीं पर देखेंगे आपको गैप कहाँ पर देना है, कितने डैश देने हैं, तो इस तरह आप देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होता है पूरी तरह, पूरे यहाँ पर आपको ऑप्शन मौजूद हैं कि आप क्या देना चाह रहे हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने सारी सेटिंग आएगी। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स आएगी कि हमें डैश कितने देने हैं, ये 5 डाल दिया, 4 डाल दिया, रैंडमली मैं तो डाल रहा हूँ। खैर अब जब आपने डालना है तो इसको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सेटिंग आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। ज़ाहिर है जब मैंने ये डिज़ाइन किया था तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है डॉटेड बॉक्स पूरा है, तो डॉटेड लाइन वाला बॉक्स है, तो इसके यहाँ ज़ाहिर है सेटिंग थोड़ी मुख्तलिफ थी और इसकी सेटिंग उसकी सेटिंग थोड़ी मुख्तलिफ है। तो ये देखना पड़ता है कि हमें कौन सेटिंग अच्छी लग रही है। तो यह डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सेटिंग अच्छी लग रही है, जो सेटिंग अच्छी लगे, जो अट्रैक्टिव लगे वो यूज़ करें। तो बस आज आपको यही बताना था कि डॉटेड लाइन क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।